और सज्जनों एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस के लिए। सोल्जर्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ एनी कंट्री, गार्डियंस विद अ सेल्फलेस लाइफ हु पुट द इंटरेस्ट द कंट्री अबव एनीथिंग एल्स। सो नेक्स्ट वी हैव सलाम टू द सोल्जर लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश एज अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स ऑफ द नेशन। Ladies and gentlemen, the conductor for the piece today is Naib Subedar Mantu Mondal. टीम अपने रोमांचक प्रदर्शन से आपकी धड़कनें बढ़ाने के लिए तैयार है। टीम की पहली फॉर्मेशन सिक्स लाइन फॉर्मेशन है। यहां से टीम आगे बढ़ते हुए आप सभी के सामने प्रभावशाली ड्रिल प्रस्तुत करेगी। अब टीम क्रॉस फॉर्मेशन में बदलेगी और अपने साथियों के साथ ड्रिल में अपना आत्मविश्वास प्रदर्शित करेगी। देखिए टीम द्वारा फूल के आकार जैसी गतिविधि का समापन और उद्घाटन, जो दर्शाता है कि इन अग्निवीर वायु ने असाधारण रूप से अभ्यास और अगला मूवमेंट क्रॉस फॉर्मेशन में फिन मिल है। अब वे इंक्लाइन लाइन फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं। यहां आप निरंतरता में की गई कई तरंगों और युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला देख सकते हैं। मुझे टीम के सदस्यों की सख्त शारीरिक व्यवस्था का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परेड पूरी प्रक्रिया के दौरान सर्वश्रेष्ठ मन शरीर और मानसिक सहन शक्ति के बीच समन्वय को दर्शाता है। देवियों एवं सज्जनों, क्या आपने लहरें देखी हैं? पानी की लहरों की तरह सहज इन गतिविधियों का आनंद लें। देखिए कितनी आसानी से वे एक नए गठन में बदल रही है, जो कि रोम्बस फॉर्मेशन है। टीम वर्क से सपने साकार होते हैं। उपरोक्त वाक्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के सामने अगला है डायमंड फॉर्मेशन, जो उनकी कड़ी मेहनत और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
से वे खुद को डबल लाइन फॉर्मेशन में पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। टीम अब डबल लाइन फॉर्मेशन में मार्च करती है, जो एकीकरण और समन्वय में व्यक्तिगत कौशल और समर्थ प्रेसिंग को दर्शाता है। अब आप देखेंगे कि कितनी चतुराई से दोनों रेखाएं अपनी लय बनाए रखते हुए एक दूसरे से जुड़कर एक रेखा बन जाएंगी। इस संरचना में आप कई जटिल युद्ध अभ्यास देखते हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि ये संगीन बैनर इन अग्निवीर वायु के हाथों में सिर्फ एक खिलौना है। देवियों और सज्जनों,